जोग टीवी वसेब दी आवाज। अगर तुसा साडे चैनल ते नवे हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन नु प्रेस करो। अगर तुआडे कोल कोई दिलचस्प स्टोरी है ते सच ते मबनी है, या तुआडे नाल कोई ज्याती हो रही है ते साडा राबता नंबर तल्ले पट्टी ते चलदा होया नोट कर गिनो। जुल्म दे खिलाफ वसेब दी आवाज। इस पैगाम दे नाल सही मुजफ्फर खान सद्दो शहीद को हदीया तबरेज पेश करेंगे। मैं सीना चार जालिम दा कलम दी नोक ते कर रहा, एक तलवार दी शख्सियत आई मुजफ्फर खान, एक कलम दी शख्सियत आई सही शौकत मुगल साहब, दूए साडे धरती दे अजीम सबूत हैं। ये तो हाँ कोई सब का हदीया तबरेज पैदा है। मैं सीना चाक जालिम दा कलम दी नोक ते कर वैसा, जफर मैं इस माधरती दी खातिर हर खतरे नाल लड़ वैसा। मेरे हालात दे उते मेरे जज्बात बसपर हैं, मेरे हालात दे उते मेरे जज्बात बसपर हैं, जे मैं उजड़ा तो कई गल नहीं, कौम उजड़ी तो मर वैसा। मैं सबसे पहले तो अपने तमाम साहिब जी वकार अपने मेहमानों को खसूसन पारो हैं सरे सबीर हमदानी साहब, बचाला साहब, अमर चौधरी साहब और जितने दोस्त हैं भावलपुर के सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट इमरान चनन साहब और सारे सूबाई नायब सदर सलीम कुलियार साहब की ज्यादा वफद आए असा इन्होंने सख्त बिस्मिल्लाह दे। जहूर दरीजा साहब को तो मैं ही पर मेहमान नहीं समझता, मेजबान है ही पर एहतराम तो अपनी जगह, लेकिन मैं मेहमान है जिन्होंने बारे तो ना अक्सा क्योंकि ये तो सारे उस्ताद का दर्जा रखते हैं और जोग सरायकी हो या जोग सरायकिस्तान हो हमेशा एक बैन लाजिम और मंजूम रह और अक्सर तकरीब जी उत्थी है पैरवी इतने भी थी। मुगल साहब अगर हन तो इन्होंने भी हन तो सारे भी सांझे हैं, आखिरी तकरीब की सरदार तो इतने भी कर रहे हैं इवें। बाकी हरिजा साहब जैसे ही पर मशहूर है कि धरती दी विचू फुल चुनते रहना, कनेरा साहब की सूरत पठाने खान साहब के अजीम सपूत अशरफ पठाने खान की सूरत, अमृत जोगी की सूरत, वजीर कचाला साहब की सूरत और मुख्तलिफ इवें शायर अदीब दानश्वर आवाज सोबे भी तो नाम है खेत समय आ रहा है तो ग्राफ जैसा है मैं ग्राफ जैसा भी नहीं एंगल की ना खेत सा एक ताली मार दे हां है ताली दूसरा जेड़ा खड़ी देनी है सनेड़ा एक तरह सनेड़ा पता नहीं कितने कितने दुनिया तक पहुंच गई है और इंशाल्लाह तो रहे सनेड़ा ही में रहेगा ना बस इंशाल्लाह। मैं खरीदा साहब भी आते होने यार टोर पई है होनी को पान करेगा देखें ये ना समझे सारी मंजर को जमाने इंशाल्लाह यार टोर पई है मायूसियां महरूमियां मसाइल अपनी जगह वजूद रख दें असा उनादा उत्ते जरूर रेजिस्टेंस भी करनी है एहतजाज भी करने लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस धरती का सफर जो 23 साल पहले मेरे बुजुर्ग हाजिर अपने पास मूल शहर ताज नगा साहब के साथ शुरू किया है असा उनके तसलसल टूजी नसल आज अपने इन्होंने सीनियर्स के नाल इन्होंने सरपरस्ती है हिनाकुल शेख के प्रोफेसर शौकत मुगल साहब मैं बरबला हमेशा आदौना के सरकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी की बुनियाद जो रखते पे से उसकी तमाम मशावरत प्रोफेसर शौकत मुगल साहब शामिल है दरीजा साहब शामिल है ईवन के उनके ना रखने उनके मंशूर को तरतीब देना रखे आमिर शहजाद सदीकी साहब प्रोफेसर शौकत मुगल साहब अक्रम मीरानी साहब दरीजा साहब और ये बहुत सारे सीनियर्स हैं इवें नहीं कि उठा तो अपना पार्टी अनाउंस कर दी उन्हें पूछा भी तंजीम अगर तंजीम बाद यानी कि डिग्री पहले मिल गई है तंजीम साजी बात थी सी अलहमदुल्ला जन सरकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी अनाउंस करिए कि कम अज कम 100 तो ज़्यादा नुमाइंदा लोग हैं जो पूरे वसेब तो आया और 3 महीने की मशावरत थी गई और ये अपने सारे शुएब भाई भी बैठे हैं ये अयोध्या बहुत बहुत सारे सीनियर दोस्त मशरकी साहब बहुत सारे सीनियर दोस्त जिम्मेदारी मेरे से दी गई मैं उस वक्त अपने आप को काबिल न समझता लेकिन उस दिन मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल लोग आते गए अल्लाह ताला जिहड़े नीयत सच्ची होवे इरादा पुख्ता होवे
कि ऐसे ऐसे दोस्त मिलवा देंगे जेडे कि मुखलिस होने और अपना एक मकाम रखते होने अपनी धरती की जंग लड़ने तमाम दर वसायल झोंकण वास्ते भी ना खर्चे होने। और मैं तो दसा कि अपने सलीम कुलियार साहब सारे को याद है असलम मुगल साहब से सारी टीम इन्हों की मिल के एक निवार इक्की दफा कर इफ्तिताह की जिले लगे और इन्हें ही अपना इतने अस जिमें कैंडीडेट की गल की पे लोग अज भी इस गल तवज्जो दी कि पार्टियां सरेकी पार्टियां अपने कैंडीडेट खेल आए तो मैं तो ये खुशखबरी लेता पी हाँ कि अलहमदुल्ला सरेकिस्तान रॉयल डेमोक्रेटिक पार्टी है जै नौ अपने उम्मीदवार बकायदा एम पी ए की सीटा से नामजद कर दिता जैसे दो उम्मीदवार सलीम कुलियार साहब की मार्फत दो उम्मीदवार इमरान चन्न साहब सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट हैं इन्हों का पूरा खानदान भी सियासत में चले गए अपनी मां धरती का झंडा चाह के हुआ है और ये हमेशा आते उन्होंने कि मेरा तारुफ हूँ सरेकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के सरह की तहरीक है भाई कोई जमात नहीं। दोस्तों मैं असा अपने टॉपिक दे मुजफ्फर हासन तो जो शहीद शहीद हो के सब को एक पैगाम दे गए एक सोच हो गया अपना कुंभा रुकवा के अपने बेटे पांच बेटी सफिया बीबी की धरती से शहीद थी के पैगाम दे गए कि धरती जुरतमंद लोग की धरती है गैरतमंद लोग की धरती है ये धरती बिकाऊ की धरती है। जब इक्की दीवारों का मुहासरा रणजीत सिंह किया बहुत वाली फौज गिन के आया बहुत वाला तोपखाना गिन के आया छी हमले उन्हें नाकाम थी चुकी हैं तारीख तो सब पढ़ी उसी वो हमले की पूरी तैयारी करके आया इक्की दीवारा मुहासरे को पानी बंद कर दिता रसद बंद कर दीते घेरा पा लिया जेडे लोग मुकम्मल दिखा कि हूँ मैं बड़ा उन्होंने को मजबूत तंग कर दिते तो उन्होंने पैगाम भेजा जरा कि रिवाज आई वह मुजफ्फर खान तेरे बचण की हम कोई सूरत हो तेरी असा हर शह रसद बंद कर दी तेरा पानी बंद कर दिता तेरा अनाज बंद कर दिता है जितने निवारा का तेरे को अनाज आई वो तकरीबन तू मुकाई बैठे है तेरे को एक सूरत है चाबी साकू दे तेरे को सराय फरार दे तू सारी पना ले। लेकिन मैं सलाम पेश करे ना उस भयूर फरजान को मुजफ्फर खान ने सीना चीर के चाबियां का चाबियां का हाथ ना लगे सी मुजफ्फर खान नदर तक मोहम्मद शाह लंगी ने बदलो सी दिल्ली नादर शाह जो चढ़ाई की थी अगर से वो भैन अपने मौज मस्ती है उन्हें अगर दरवाजे खोल दो उन्होंने गल कर दो लड़ तो सड़ देना जोड़ा भाई हर फिदिया तमान जिजिया उन्हें अगर सारा कुछ देवन वास्ते तैयार है मैं जितनी मर्जी तू गांडियां करीजा खेन मनो जोड़ा माल चा मनो जिजिया दे। लेकिन मुजफ्फर खान ने ना किया क्यों उस सरह की धरती का रजूर पुत्र रजूर फरजंद है नदर सारी कांड का वाह बनिया सारी सारी उम्र मुंह लुकई बदे होगा जिनका जो कुरेशी खानदान वाले लुकई बदन भाई इन्हें तो मरवा के गदारी की है असा पिछली बार तकरीब की थी धरती देख भाई अजीम सपूत अहमद खान खरज शहीद थी तो बहुत सारे सारे जाहिर गले मिले दोस्त उन्होंने पैगाम आया असं मेहरबानी करो तुझे नंगा की खड़े मैं असा क्या की खड़े तारीफ की खड़ी तुसा जो काम किए पर अफसोस या उन्होंने जी ज्यादा शर्म की गल है बधेरे का ना ही शाह महमूद आई जय गदारी करके 1200 मुजाहिदीन को मरवाया और बदले अंग्रेज को जागीरी की थी ये मखदूमी का खिताब किया ये दरबारी चाहती भी नहीं असल मखदूम पाया मेरी कार होनी मीडिया में रहती पी कि ना कि पहुँच पैसे लेकिन खैर हम कल भी सरेदार हकीकत के अमीर थे हम आज भी इनकार हकीकत न करेंगे हमारा तो दावा है कि अंधेरों में जलाते हैं चराग उनकी साजिश है कि दुनिया में जुड़ी असा मुजफ्फर खान सदो गई शहीद के पैरोकार हैं असा अंधेरे चराग जलावने अपनी धरती के हर एक फरजंद की आवाज़ चाहनी है अपना ये दीवा बालने और मैं अक्सर आता हूँ दोस्तों को कि शिकवत शिकवाए जुल्मत शब करने से तो कहीं बेहतर था शिकवाए जुल्मत शब करने से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शमा जला दी असा अपने हिस्से की शमा जला दी असा हो सकता है कि सारी जिंदगी सुबह ना बने या यकीन अल्लाह चाहे तो कल ही बन सकते लेकिन असा अपना दीवा बाल है शमा जला दी माना कि इस जहां को गुलशन न कर सके कांटे तो कुछ हटा दिए गुजरे जी दसिया लोग मैं समझता कि वही बेवकूफ है जेड़े आदमी से 40 साल क्या थी अलहमदुल्ला कौम कोई थी है सराय की कौम को शनाख्त मिली है
सराकी कौम को तस्लीम किया गया। आज सराकी डिपार्टमेंट इतने PhD भी थी पी एम फिल थी पी एच हर साल 100, 150, 200 सराकी लेक्चर भर्ती थी पैन सराकी वजीर आजम तो खड़ो के एम एन एम पी खड़ो के अगर उतने के अहमान असम्बली सराकी करे तो पैन ये हमदानी साहब तुझी जीत है तुझे बारा की जीत है ये वसेब की जीत है नौजवान की जीत है ये धरीजा साहब तुझी उन्हें काबशा की तुझी कलमी जीतो जैद की जीत है बहुत कुछ ठीक ही है लेकिन असा बहुत कुछ करना है बहुत कुछ ठीक ही है लेकिन बहुत कुछ करना है हाली हाली असा अपना खुद मुख्तार आईनी फेडरेटिंग यूनिट सूबा सराकिस्तान भावे जितने सेक्रेटरी पार्लियामेंट हैं इतने नारा वाले हैं सारे सूबे का कोई मुतबादल नहीं असा अपना मुकम्मल आईनी सूबा गिनना है उस वक्त तक अगर मैं समझता कि असा सिर्फ 10% ही मुजफ्फर खान की पैरोकारी का अमली सबूत दे चा उन्हें तो शहादत दी ना खून दिता सिर कटवाए असा सिर्फ सड़क से आ बंदा अब मेरे यूनिवर्सिटी के नौजवान दोस्त आए हुए हैं मैं इन्होंने आख्या कि हर डिग्री का प्रैक्टिकल तो जरूरी समझ के करेंगे हो इस तो बगैर डिग्री मुकम्मल कोई नहीं लेकिन तेरे मुस्तकबिल का प्रैक्टिकल है कि सूबा सराय की बंसी तो तेरा मुस्तकबिल से तुम जितने डिग्रियां गिन लो मैं हजारा ऐसे अपने वसीब के नौजवान को जानना जेडे ब्रिलियंट तालीम याफ्ता डिग्रियां की दिया लेकिन करा उन्होंने तो PCSS में काम कर दिता गया करा CSS में काम कर दिता गया और आखिरकार वो बेचारे या गुमराही का शिकार थी गया या बेरारवी का शिकार थी गए कई खुदकुशियां भी की ये जुल्म ते वां जे सारे वसीब ज्यादा ना ये बेसिक तो सारी जंग इस नौजवान नस्ल वल किसान वल इज्तमाई तौर पर सब वास्ते लिहाजा मैं अपने वसीब ज्यादा भरावों को आखसा कि हूँ तो तेरे को कौन सारे हथियार है एक सोशल मीडिया का हथियार है तुम घर बैठे विदाउट एनी सिंगल पैनी स्पेंड किए हो भले सब कुछ सिंगल पैनी स्पेंड किए हो तुसा एक पोस्ट ला के अपना पैगाम पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते अगर तुसा ये सोच लो कि असा डेली सराकिस्तान के हक में एक डिमांडिंग पोस्ट लावनी है तारा 40,000 नौजवान उनके जो 20,000 नौजवान भी अगर डेली पोस्ट ला दे तो मैं तक रिटर्न देना अपने लेटर पैड पे कि इंशाल्लाह अगले महीने दो महीने तो सूबा सराकिस्तान अगर 20,000 नौजवान ये सोच लगे कि मैं डेली एक पोस्ट ला नहीं उनके तो कुछ खर्च भी नहीं देना सही लिहाजा इस पैगाम को अगर ना चिराग न चिराग चला रहे हैं अपने दोस्तों तक पहुँचाओ अपने डिपार्टमेंट के दोस्तों तक पहले पहुँचाओ हल पूरी यूनिवर्सिटी तक पहुँचाओ असा हूँ कम अज़ कम सोशल मीडिया की जंग एक तो आज तू शामिल थी उस तो महीने एक दो दफा थी सकता है त्रै दफा थी सकता है उनके बच्चे तुसा घंटा काट लो दो घंटे काट लो यह तहरीक का काम देखो अक्सर दोस्त आते हैं मेरे बड़ा अफसोस भी दिन है आते हैं भाई जब दिल तक पहुँचे थे तहरीक का हिस्सा बनूँ सारा मुस्तक दे ले। लेकिन वह हादसा पढ़ देता है टाइम को मैं ही गौर तू गुजर के आया मेरे को पता है कितना पढ़ दें तो कितना भी काम कर दें अगर कोई चाहे तो टाइम कट सकता है कोई ऐसी बात नहीं अज ही तो तुसा टाइम कट है इंशाल्लाह अगर तुसा अपने इस तहरीक पर फोकस कर लिया तो यकीनन ये तुहाड़े मुस्तकबिल दी बका दी जंग जरूर जीत सू इंशाल्लाह ये कामयाबी सब तो पहले बेनीफिशरी तुसा हो सब तो पहला बेनीफिशरी साडा नौजवान है उसके बाद किसान है मजदूर है सब है और मैं अपने पहले बेनीफिशरी दे नौजवानों के ना ही पैगाम देसा कि मेरे वसीब के शेर जवानों हूँ जागो कोई तुहारी जिंद जान भी चेंदा पे ये रंजीती सोच दे गुलाम इन्हों के ना कि कोई तुहारी जिंद जान भी चेंदा पे इन्हों को चस पै गई ये डालर दी ए ठीक ही है बेईमान भी चेंदा पे उठो जागो वारिस धरती दे कोई सराकिस्तान भी चेंदा पे इस धरती के वारिस बिलाशुबा तुसा होना सब तो ज्यादा नुकसान भी तुहाडा थी सब तो ज्यादा नुकसान वाला थी मैंने और अगर तुसा सराय की धरती के सपूत हो इस सराय की मां धरती के दफन थी मैंने इंदी फुटी का कपड़ा पाई बैठे हो हिंदा खा दे वल मैं अक्सर आ दोना तो मेरे दिल च दर्द सराय की का मैं हाँ आसीर सराय की का मेरे दिल च दर्द सराय की का मैं हाँ आसीर सराय की का मेरे सारे ख्वाब सराय की दे मेरा जर्फ जमीर सराय की का मेरी अगली नस्ल सराय की मैं पुत्र ते वीर सराय की दा मेरे सिर ते मादा कर्जा है मैं पीते खीर सराय की दा।
ਰਹੇਗੀ ਜੀਏ ਰਹੇਗੀ ਜੀਏ ਰਹੇਗੀ ਜੀਏ ਰਹੇਗੀ ਜੇ ਤੇ ਰਾਤ ਅੰਧਾਰੀ ਰਾਸੀ ਜੰਗ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਰਾਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਾਸੀ ਸਾਰੀ ਵਸੇਬ ਸਾਹਿਬੀਆਂ ਸਾਰੀ ਧੀਰੇ ਬਣੀ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਮੈਡਮ ਰਾਫੀਆ ਸਾਹਿਬਾ ਸੁਬਾ ਤੋਂ ਇਤਜਾਜੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੈ ਜੈਨ ਆਪਣੇ ਮੈਡਮ ਸੋਬੀਆ ਸਾਹਿਬਾ ਔਰ ਬਈ ਵੀ ਖਵਾਤੀਨ ਹਨ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜ ਕੇ ਗਰਮੀ ਖੋਪੇ ਅਗਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮਾ ਫਿਕਰੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੌਕਤ ਗੁਲਨ ਦਾ ਖਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤਾਜ ਨਗਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸਰੈਕਿਸਤਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸਰੈਕਿਸਤਾਨ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸੱਟੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਸਨ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਰਾਈਟਰ ਹਾਮਿਦ ਸ਼ਹਿਦਾਦ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਅਨਾਤੁੱਲਾ ਮਸ਼ਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਖੇਮ ਸਾਹਿਬ ਸਮੈਦ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਏਬ ਨਵਾਜ਼ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਔਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਫਰਜ਼ੰਦੇ ਸਰੈਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੂੰ ਅਲੇ ਮੈਂ ਕਾਬਿਲ ਬਣਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਮ ਥਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਥਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਾਮਲਤ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਮਾਮਲਤ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਾਜ ਲੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਤਾਬੀਰ ਕਰੇ ਸੂੰ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਹਮ ਵੀ ਦੇਖੇਂਗੇ ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਜਿਸਕਾ ਵਾਦਾ ਹੈ ਜੱਲਾ ਅਜ਼ਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹਿੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼ੋਦਾ ਬਣਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸਮਝੋ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਤੀ ਵਾਸ ਜਹਾਂਗੀਰ ਮੁਖਲਿਸ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਮੁਖਲਿਸ ਇਵੇਂ ਕੀ ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵਜੇ ਸਹਿਤ ਸਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲੀ ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵਜੇ ਸਹਿਤ ਸਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲੀ ਵਜੇ ਰੁਕਤੇ ਰੁਕਤੇ ਤੂੰ ਕੋਲੇ ਤਾਸੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਲਿਖਾਰੇ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਖੋਲੀ ਵਜੇ ਵਰਕਾ ਕਿਤਾਬੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਜੇ ਸਾਰੀ ਬੋਲੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਰੋਲੀ ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਖਾਨਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰੱਖੇ ਗਾਲ ਐਵਾਨ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਨਾ ਚੋਲੀ ਵਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਮੁਖਲਿਸ ਇਵੇਂ ਥੀ ਵਜੇ ਸਹਿਤ ਸਾਗੇ ਸਮਲ ਕੋ ਅਗੂਆ ਕਰੋ ਹੱਕ ਮਹਿੰਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸੁਜਾਣਨ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਕੋ ਧਰ ਦੀ ਗਿੱਚੀ ਦਾ ਸੁਹਾ ਕਰੋ ਤੁਸਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਮਬਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਤੱਲੇ ਪੱਟੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨੋਟ ਕਰ ਗਿਨੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਸੇਬ